Happy New Year! Happy New Year! हैप्पी न्यू ईयर हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को, डांसर सनातन एंड टेक विद सनातन के फैमिली को थैंक यू हमारे दोनों भाई बहन को इतना प्यार देने के लिए सपोर्ट करने और आज का हैप्पी न्यू ईयर या नया साल 2021 को बेहतरीन करने के लिए। तो आज हमारे पास है में फाइट करने के लिए जी, तभी हमारे पास है 5 केक और 5 केक हम लोग भी अभी 5 भाई जो अभी सो गया है और वो जैसे कि शुगर का प्रॉब्लम जिसके चलते वो नहीं खाता है तो इसीलिए वो बोल रहा है कि हम कैमरा भी नहीं है दूसरा कुछ है। तो चलिए हम लोग अभी इसका कंपटीशन करते हैं कौन पहले खाके खत्म करता है। तो सबको एक एक करके दिया जाए। रुको एक साथ लो लो काउंटिंग करेंगे उसके बाद खाना है ठीक है। केक टिक टिक 3 2 1 हम तो जल्दी खत्म करें मेरा मुंह बड़ा है सर पीछे में जा जाना जल्दी सर हम ला करेंगे ना लाख नहीं आना पापा भाजी मार गया। तो दोस्तों ये अभी जो कंपटीशन वो एक बहाना थी, बात ये थी छोटी छोटी चीजों में खुशियां बांटना है तो इसी से हम लोग स्टार्ट किए और पापा भी थे सब फैमिली के साथ हम लोग एक साथ केक खाए और आज कुछ हम लोग ऐसे बातें शेयर करना चाहते हैं जो कि हम लोग के साथ अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ। क्या हमारे साथ अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ सब कुछ का आप लोग बताने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली बात है कि 2020 हमारे लिए देखा जाए तो बहुत ही लाइफ चेंजिंग वाला मतलब ईयर रहा और इसमें भी हमारे साथ ऐसे ऐसे घटनाएं हुई क्या बोल सकते हैं मतलब अच्छा भी बोले खराब भी बोले। हमारे साथ तो छोड़ो पूरा वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं जैसे COVID-19 हुआ और ऐसे ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुई कितना कितना घर आबाद घर को बर्बाद कर बर्बाद COVID-19 और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई कि मतलब कभी भुला नहीं जा सकता है 2020 को। 2020 हमारे लिए क्या स्पेशल रहा क्या खराबी रहा स्पेशल ये रहा कि हम लोग 2020 में ही पॉपुलरिटी मिली आज कुछ भी अर्निंग हुई हमारे यूट्यूब के थ्रू से और उसको यहां तक पहुंचाने में हमारी सबसे बड़ी भूमिका रही जो थी टिकटॉक ऑब्वियसली और उसने ही हमारे आज फेम बनाई हमारे एक गांव के दोनों भाई बहन को यहां तक पहुंचाई। एक टाइम ऐसे थे कि दोनों को ट्रोल किया जाता था कि ये लोग क्या कर रहा है नचनी बनेगा ये वो बहुत बहुत कुछ बहुत खराब लगता था जबकि आपके गांव में क्या आपके जो परिवार अगल बगल में है ये भी सुनाते थे सभी लोग ऐसे और बोलते थे कि यार ये लोग क्या करेगा सब तो बर्बाद हो गया ये वो। तो फिर भी हम लोग माने नहीं और हम लोग दोनों भाई बहन अपना जिद नहीं छोड़े और रेगुलर रहे और आज उसी जिद के वजह से आज हम लोग को जो आप लोग भी फेम मिला है जो भी प्यार मिला है यूट्यूब के फैमिली से इसी की और आप लोग आज खड़े हैं उसी जिद के वजह से आप लोग के सामने। यदि हम लोग भी गिव अप यदि कर देते तो आज हम लोग को नहीं दिखाई ये दोनों भाई बहन कहीं गुमनामी जिंदगी में जीते और जैसे पहले थे बस उसी तरह से खाना पीना और सावित्री खाना पीना और मरना मतलब कोई हमें पहचानते भी नहीं हम लोग क्या है क्या नहीं। तो बस आप लोग से यही बोलना कि आप लोग जो टैलेंट है यार पूरा जी जान लगा के अपना उस पर वर्क कीजिए जरूर सफलता मिलेगी। यहाँ हमारे टीवी पे ऐसे ऐसे न्यूज पे आई हम तो मेरा सपना था एक पेपर में आना और सबसे बड़ा सपना इसका टीवी पे आया इसका न्यूज में आ गया हर एक न्यूज चैनल में लगभग सभी न्यूज पे आए हमारी वीडियो चलाए गए दोनों भाई बहन का और ऐसे ऐसे बॉलीवुड से लोग के साथ हमारा कनेक्टिविटी बनी। एक दो ऐसे लोग हैं जो से हमारी अभी बातें होती है अभी भी होती है और ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारी वीडियो को शेयर किया बहुत ही अच्छा लगा लोगों को मैं फिर से
न्यू ईयर में तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग जितना 2020 पे किए थे 2021 से उसका डबल करेंगे, 100 गुना उससे ज्यादा करने का प्रयास करेंगे अपना दोनों भाई बहन। और हमारा जो सपना है, काश भगवान करे वो सपना पूरा हो जाए। तो ये कुछ थी। और इसके अलावा हमारे जो ऑस्ट्रेलिया न्यूज, वो तो कभी भी मैं सपना में भी नहीं सोचा था कि हमारे विदेश न्यूज पे भी हमारी इंटरव्यू होगी। और इंटरव्यू वो भी हुआ हमारे ऑस्ट्रेलिया न्यूज पे। ये हुई बात। उसके बाद बात आती है सबसे जो दुर्घटना वाली बात हुई, सबसे खराब वाली बात हुई, वहां हमारी बात हुई मम्मी के देहांत होना, जो कि 17 अगस्त 2020 पे हुई। तो वो डेट, वो दिन कभी भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उस दिन हम लोग तैयारी कर रहे थे ऐसे YouTube वीडियो बनाने के लिए, कॉमेडी वीडियो था उसको बनाना था। और अचानक सा कॉल आया हमें, मतलब हमारे चाची जी थे, उन्होंने बोला कि आपके मम्मी का पानी में डूब गई है, जैसे हमने बताया था आपको। और जैसे कि उसी समय हमारी मम्मी किया पानी से, जैसे हम बताया था कि सॉरी उसको और नहीं बोलना चाहता हूँ, तो मम्मी और उसके बाद नहीं रही। तो वो सबसे बड़ी मतलब दुर्घटना बोल सकते हैं, हमारे लाइफ के खराब टाइम वो बोल सकते हैं। अभी हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है। अभी कैमरा हम लोग खरीद लिए, अभी रिंग लाइट देखे आप लोग परचेस किए, जो उसका अनबॉक्सिंग दिखाए, लैपटॉप खरीदे, एक बाइक खरीदे, घर को आप लोग जो देख रहे हैं ये कलर इतना कुछ किए, वायरिंग 6-7 हज़ार लगी, ये टीवी भी देख रहे हैं जो आप लोग पीछे देख रहे होंगे वो भी खरीदा हमने, सब यूट्यूब के बदौलत। पुराना घर को न्यू बनाए। हमारे जो 30 हज़ार का लोन लिया था हमने बताया था, वो चुकता किया हमने यूट्यूब के पैसे से। बहुत सारी खुशियां आई, लेकिन हमारे ऐसे बहुत पहले दीदी का, बहुत मेरी जो बड़ी सिस्टर लोग हैं उनका शादी का पैसा बाकी था दुकान पे, 7-8 साल 12 साल पिछले का, वो सब भी हमने चुकाया इसी यूट्यूब के फैमिली के वजह से। इसके साथ ही साथ हमारी मम्मी का जो देहांत हुआ, उस टाइम हमारे पास एक भी पैसा नहीं था, और जो हमारे जो यूट्यूब फैमिली ने हमें प्यार दिया, सपोर्ट किया, उसी के वजह से हमारे सब मम्मी का जो श्राद्ध सब कुछ अच्छे तरीके से पार हुआ, कि हमारे पब्लिक इतना प्यार देती है उसके लिए सबको, कभी हम लोग दोनों भाई बहन कभी नहीं भूल सकते हैं। इस गांव के रहने वाले भाई बहन को इतना दूर तक पहुंचाएं आप लोग, और हमारी मंजिल अभी इतना ही नहीं है, बहुत आगे जाना है। और आप लोग जो सजेस्ट करते हैं, हमें पता है कि आप लोग हमारे भले के लिए ही करते हैं, तो इसीलिए हमारे डांस का रहा वीडियो, तो आप लोगों को डांस का वीडियो मिलती रहेगी YouTube पे, लेकिन हर एक वीक पे एक एक करके मिलेगी। अब ब्लॉग आप लोगों को हमारे YouTube पे हमेशा मिलेगी, हमारे एंटरटेनमेंट कैटेगरी का है YouTube पे, तो हमारे एंटरटेनमेंट होना चाहिए, सब टाइप का आपको वीडियो मिलेगा यहाँ पर। तो बस इसी तरह से प्यार बना के रखिएगा, और आई होप आप लोग भी अच्छा से एंजॉय कीजिएगा। बहुत सारी खुशियां हैं, बस मेरी मान बस बस तो बस आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि यार अच्छे से रहें, किसी को भी दिल ना दुखाएं, 2021 आया है, और अच्छे से रहे, सबसे अच्छा संबंध बनाए, किसी से बुरा बर्ताव ना करें। और अभी COVID-19 चल रही है तो डिस्टेंस, नया साल है तो बहुत लोग देखिएगा इधर उधर बाइक लेके घूम रहे हैं, स्पीड वैसे कभी ना करें, आपका लिए भी घर में कोई इंतजार कर रहे हैं, आपकी मम्मी पापा भाई बहन कोई भी हो सकती है, आपका वाइफ, कोई भी बच्चे, हो सके आप लोग नशा से दूर रहिए, नशा मुक्त रहिए, नशा मुक्त भारत कीजिए जी। बस आप लोग ऐसे बताना था हमने अपना, जो कि 2020 हमारे साथ कैसी बीती वही हमने बताया आपको। तो चलिए बस वीडियो यही अंत करते हैं, आई होप हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती होगी, तो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल द प्रेस कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई सोच के साथ, 2021 के एक अब सेकंड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।